हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जैमी और आज हम बनाएंगे वेज चीज़ फ्रेंकी एकदम स्ट्रीट स्टाइल। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए मैं ले रही हूं 1 टीस्पून जितना ऑयल। इसमें हम डालेंगे श्रेड की हुई कैबेज, जुलियंस में कट किए हुए कैप्सिकम एंड अनियंस। हाई फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए बस टॉस करना है। आप चाहे तो इसमें जूलियंस में कट किए हुए कैरेट भी ले सकते हैं। वेजिटेबल्स मेरी सॉटे होके रेडी हो गई है, तो चलिए इन्हें एक बोल में निकाल लेते हैं। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक के हम हमारा आलू का मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना ऑयल। इसमें डालेंगे जिंजर और ग्रीन चिली की पेस्ट, सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर। मसालों को हिलाते जाएंगे ताकि वो जल ना जाए। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और लास्ट में जाएगा फ्रेंकी का मसाला। अगर आपके पास फ्रेंकी का मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला और आमचूर पाउडर भी मिक्स करके डाल सकते हैं। आलू डाल देंगे, पोटैटोज बॉइल्ड और मैश किए हुए हैं, मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि मसाले मैंने पहले ही ऑयल में पका लिए हैं, तो मैं इसकी टिक्की बना के इसको सेकूंगी नहीं, ये मसाला मैं ऐसे ही यूज़ करूंगी। आप चाहे तो इसकी टिक्कियाँ भी बना सकते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और आलू का मसाला भी एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। चलिए हो गया है, वेजिटेबल का मिक्सचर मेरा ठंडा हो गया है। इसमें मैं डालूंगी 2 टीस्पून जितना टमेटो केचप और 1 टेबलस्पून शेजवान सॉस। शेजवान सॉस आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून जितना मेयोनीज। मैंने यहाँ वेजिटेबल्स को सॉटे करके लिया है, आप चाहे तो ऐसे कच्चा भी ले सकते हैं, लेकिन इससे बनाने के बाद इसमें से पानी बहुत छूट जाता है, तो वो एकदम लूज़ हो जाता है बैटर, इसीलिए मैंने वेजिटेबल्स को सॉटे कर लिया है। मिक्स होके रेडी हो गया है, तो चलिए फ्रेंकी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैदे की रोटियां बनाई हैं, आप चाहे तो गेहूं के आटे की भी ले सकते हैं। सबसे पहले वेजिटेबल मिक्सर रखेंगे, इसके ऊपर आलू का मसाला लगाएंगे, नेक्स्ट इसके ऊपर हम चीज़ ग्रेट करेंगे। चीज़ आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। अगेन इस पे थोड़ा फ्रेंकी का मसाला स्प्रिंकल करेंगे, इसे एकदम टाइट रोल कर लेंगे। मुझे फ्रेंकी क्रिस्पी पसंद है, इसीलिए मैं पहले रोटी को नहीं सेकती हूँ, मैं रोल करने के बाद इसे क्रिस्पी सेक लेती हूँ। इसे फ्रेंकी बहुत ही अच्छी लगती है। इसे अच्छे से बटर लगा के लो फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। फ्रेंकी मेरी रेडी हो गई है, तो चलिए इसे सर्व करते हैं। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।